वेलकम टू फाटो फिजिक्स बाय वीके। डियर स्टूडेंट्स, आज हम देख लेते हैं 1.8 न्यूमेरिकल इलेक्ट्रोस्टेट चैप्टर फर्स्ट। तो इसमें क्या बोला है, टू पॉइंट चार्ज क्यू है जो है अपना 3 माइक्रोकूलम, क्यू बी माइनस 3 माइक्रोकूलम, इसको लोकेट करा 20 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर का बवाल बहुत रहता है, इसको करो मीटर में। तो क्यू ए आपको दिया है 3 माइक्रोकूलम कूलम, और क्यू बी आपको दिया है माइनस 3 माइक्रोकूलम। इसको ड्रॉ कर लेते पहले कि देखो, यहाँ पे मैं ड्रॉ करा इसको, क्यू ए, ये क्यू ए हो गया इज इक्वल टू 3। ये क्यू ए कितना है, 3 माइक्रोकूलम है, 3 माइक्रोकूलम। क्यू बी आपका है -3 माइक्रोकूलम, ठीक है। माइनस का मतलब क्या होगा, हम वहाँ से उसकी डिरेक्शन डिसाइड करेंगे। तो दोनों को कितना डिस्टेंस पर रखा है, 20 सेंटीमीटर पर, मीटर में कर दिया, ठीक है। तो डिस्टेंस आपको दिया है 20 × -2 मीटर। तो आपको पूछा है, क्या पूछा है, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ ओ। मिड पॉइंट ओ, यहाँ पे इसका नाम दिया मिड पॉइंट ओ। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी लाइन ज्वाइनिंग पे। तो सवाल ऐसे आसान है, कुछ है नहीं सवाल में, कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किसी पॉइंट चार्ज के लिए हमने पढ़ा था, वो क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है ना, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये होता है पॉइंट चार्ज के लिए। तो ये लगाते हैं, ये लगाना है हमें, तो एक प्लस एक माइनस है। तो देख लेते हैं क्या इसकी कहानी क्या है। प्लस चार्ज है तो इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इस पे इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी। ये माइनस चार्ज है, इसकी क्या होगी इस पॉइंट पे डायरेक्शन, कुछ ऐसे होगी बिल्कुल। तो डायरेक्शन तो पता चल गई हमें, लेकिन मैग्नीट्यूड हम निकाल लें, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो दिशा सेम है, तो दिशा तो हमें पता चली गई, तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं ई नेट। तो यहाँ पे ई नेट लिखा जाएगा, ई नेट आपका हो गया, आपका ई नेट हो गया, देखो यहाँ पे आपका ई नेट हो जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू ई वन प्लस ई टू, ठीक है। ई वन फर्स्ट क्यू ए चार्ज को से कितना होगा, के क्यू ए डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस के क्यू बी डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये हुआ। अब के निकाल लेते कॉमन, के निकाल लेते कॉमन, जो भी चीज़ कॉमन निकाल लेते, आर भी देखो कितना होगा, आर यहाँ पे, ये आर अपना हो जाएगा है ना, मिड पॉइंट पूछा है तो 20 दिया था, 10 हो जाएगा, 10 × -2 मीटर, इतना। ये भी दोनों के लिए सेम है, तो इसको निकाल लेते बाहर कॉमन, के डिवाइड बाई आर स्क्वायर, कि क्यू ए प्लस क्यू बी, डाल देते वैल्यूज, तो वैल्यू यहाँ पर डाल देते हैं, तो ये हो गई वैल्यूज इसकी, 9 × 10⁻⁹ डिवाइड बाय स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, इसका स्क्वायर हो जाएगा -4, ठीक है। ये देखो क्यू ए कितना है, 3 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम प्लस, और कितना है, 3 बी था -3 माइक्रोकूलम, माइनस क्यू ने रखा, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, 6 माइक्रोकूलम। तो कुछ स्टूडेंट को डाउट होगा कि सर आपने माइनस क्यू नहीं रखा, तो माइनस क्यों नहीं रखा उसका रीजन है। तो यहाँ से माइनस से हमने डिसाइड क्या करा, माइनस से हमने डिसाइड कर लिया उसकी डिरेक्शन, कि कौन सी डिरेक्शन में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो माइनस से हमने वहाँ यूज हो गया माइनस अपना, तो यहाँ पे माइनस यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्लियर हो गया। देखो ये 9 है ना, इसलिए माइनस पुट नहीं करा, ये हो जाएगा 9 × देखो ये पावर कितनी है, +2 है, ये हो जाएगा -2, -2 ऊपर गया तो हो जाएगा +2 में, तो हो जाएगा 11 × -6 × ये हो जाएगा 6 है ना। तो 9 × 6 कितना होगा, 54, 54 × हो जाएगा 5 न्यूटन पर कूलम, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट, ये आपका हो गया आंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट
मिड पॉइंट, समझ आ रहा है? ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड मिड पॉइंट, ये हो गया आपका आंसर, क्लियर हुआ ये आपको। चलिए अब नेक्स्ट सवाल में क्या पूछा है, नेक्स्ट आपको पूछा है कि इफ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ अ मैग्नीट्यूड 1.5 × 10⁻⁹ कूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, नेगेटिव टेस्ट चार्ज यहाँ पे पुट करा जाए है ना, तो व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस टेस्ट चार्ज, तो कितना फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा, तो कुछ नहीं है, तो कर लेते सवाल, आसान सवाल है, तो कुछ नहीं, उसके ऊपर जो फोर्स होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इसके बराबर है, तो क्यू इन टू कर ले इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होगी क्या होगी, आई कैप, पॉजिटिव आई कैप, तो ये हो जाएगा क्यू, ये क्यू इज इक्वल टू क्यू, क्यू कितना है, नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड, तो नेगेटिव रखा है ना, तो देख लेते कुछ है नहीं, वैसे आसान ही है, तो नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस साइड है नेट, और नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स लगेगा इस साइड, तो यहाँ से मैं ऑलरेडी लिख देता हूँ, ये माइनस के पाएगा, माइनस आई के पाएगा, ठीक है ना, लिख दिया मैंने ऑलरेडी यहाँ पर, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए क्यू कितना है, 1.5 × 9 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड नेट 54 × 5, तो ये आपका हो जाएगा 81 × 10⁻⁴ न्यूटन, लेकिन माइनस आई क्यू, ठीक है, ये हो गया आपका फोर्स, क्लियर हुआ, ये हो गया सवाल, सवाल में अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट में थोड़ा लिख देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने साथी मित्र को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।